स्मार्ट मीटर पर सियासत जारी है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहार में रहते नहीं और देश से बाहर कहीं भी जाकर ट्वीट कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिजली का बिल आ रहा है तो उनको प्रणाम देना चाहिए कि क्या गड़बड़ी। पता कीजिए वो है कहाँ। दुनिया के किसी भी भाग में बैठ के ट्वीट कोई कर सकता है और ट्वीट करने के सिवा वो करते क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग उनके ट्वीट के ही आधार पर प्रश्न भी किया करते हैं, तो थोड़ा प्रत्यक्ष भी उनसे आप लोग मिलने की कोशिश कीजिए। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं रहता है, बिहार के मुद्दों की समझ नहीं रहती है, विकास के नाम से चिढ़ है। अब स्वाभाविक है उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिल आ रहा है तो प्रमाण देना चाहिए ना कि कहां गड़बड़ी है। यदि स्मार्ट मीटर से टेक्नोलॉजी के साथ यदि नहीं जाना है तो यह तो बताना चाहिए ना कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में इसमें जुड़ चुके हैं और यह स्पष्ट तौर पर सरकार का मानना है, बिजली विभाग को निर्देशित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत जनता का सहयोग करें। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। चलो